अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको ड्रामा सीरियल दिले गुमशुदा की एपिसोड नंबर 7 का रिव्यू देंगे। आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ज़ारा की कामयाबी पर अलीज़े और उसकी वालदा शाजिया बेगम जलकर राख हो रही हैं। हसद की मारी अलीज़े अपनी वालदा से कहती है कि अब एमए करके नया शोशा छोड़ेगी ताकि मेरी सास मुझे ताना दे कि ज़ारा बहुत इंटेलिजेंट है, उसने एमए भी कर लिया है। शाजिया बेगम कहती हैं, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। अलीज़े कहती है, तो मॉम अब सोच लें, इससे मेरी जान छुड़वाएं, कुछ करें, वरना ये एमए के बाद पीएचडी भी कर लेगी। दूसरी तरफ नदीम की फैमिली बहुत परेशान है। नदीम की बहन कहती है, जिसने मेरे भाई की ये हालत की है ना, अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसका हशर नशर कर दूँ। नदीम की वालदा भी अपना दुखड़ा सुनाती हैं, अरे मेरा बच्चा इतना ज़ख्मी हुआ पड़ा है, नौकरी भी हाथ से चली गई, पता नहीं कब दोबारा मिलेगी, सख्ती के दिन शुरू हो गए हैं, पता नहीं कब कटेंगे। तो उधर बुआ मजबूर होकर ज़ारा से कहती हैं, जमाल मियाँ से कहो कि नदीम की कहीं नौकरी लगवा दे, बेचारे की बेवा माँ और दो बहनें हैं और वाहिद कमाने वाला है वो घर का। फिर शाजिया बेगम ज़ारा के पास हसद निकालने आ जाती हैं। वो ज़ारा को आकर हुक्म सुनाती हैं, तुम आगे नहीं पढ़ोगी और ये बात जमाल से ख़ुद कहोगी कि मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती। ज़ारा ये सुनकर हैरान रह जाती है कि मैं ऐसा क्यों कहूँ, लेकिन शाजिया बेगम ज़ारा को गुस्से से आंखें दिखाती हैं कि मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करोगी, मैं तुम्हारी शादी करवाऊँगी। ज़ारा उनसे पूछती है कि आखिर क्यों, तो शाजिया बेगम हक जताती हैं और कहती हैं, तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो और ये अहम काम मैं जल्द अज़ जल्द करना चाहती हूँ। फिर दानियाल अपनी वालदा के साथ आता है तो अलीज़े उन्हें बताती है कि फ़र्दर स्टडी नहीं करना चाहती हूँ मैं, और ख़ास कर इकनॉमिक्स, इसलिए मुझे और नहीं पढ़ना। अलीज़े की वालदा अपनी बेटी के मुंह से ये बातें सुनकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी बेटी का पोल खुल गया है। इसलिए वो दानियाल की वालदा से कहती हैं, वैसे भी इनको यहाँ कौन सा रहना है और यहाँ पढ़ने का क्या फ़ायदा, शादी के बाद इन्होंने US शिफ्ट हो जाना है तो वहाँ जाकर स्टडी कर लेगी, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। दानियाल की वालदा तंजिया तौर पर हंसती हैं और कहती हैं, ये आपसे किसने कह दिया कि दानियाल शादी के बाद US जाएगा। तो अलीज़े बताती है कि दानियाल और मैं ये बात पहले ही तय कर चुके हैं कि हम अमेरिका सेटल हो जाएंगे, लेकिन दानियाल की वालदा साफ साफ बताती हैं कि मैं दानियाल को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दूँगी, हाँ अगर ये मुझे छोड़ कर जाना चाहे तो ये इसकी मनमानी होगी। तो अलीज़े दानियाल से कहती है कि तुम भी तो कुछ बोलो। दानियाल कहता है कि मामा जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। ये सुनकर अलीज़े को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से फौरन चली जाती है। दानियाल की वालदा अलीज़े के अंदाज़ देखकर समझ जाती हैं कि अलीज़े किस नेचर की मालिक है, और जब वो चले जाते हैं तो अलीज़े की वालदा उससे कहती हैं कि दानियाल तुम्हारी मुट्ठी में ना कल था और ना आज है। अलीज़े कहती है कि दानियाल वेल सेटल्ड है और रिच भी है, तो इसलिए मुझे उससे मोहब्बत है, अगर वो वादा तोड़ेगा तो मैं उससे मंगनी तोड़ दूँगी। दूसरी तरफ दानियाल उदास बैठा है कि वो अलीज़े से मोहब्बत करता है, लेकिन वो अपनी वालदा का भी दिल नहीं दुखाना चाहता। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, जब अलीज़े की मंगनी दानियाल से टूटेगी। आज के प्रोमो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करना ना भूलिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमोज़ और रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।